देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज में पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। मंडी में उपायुक्त कार्यालय के सभागार में एक लोक लेखा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता समिति के चेयरमैन रविंदर रवि द्वारा की गई। बैठक के दौरान समिति के चेयरमैन ने सीएजी रिपोर्ट पर भी चर्चा की। विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है, जिसमें विभिन्न विभागों के ऑडिट पैरे दर्शाए जाते हैं। यह सीएजी की रिपोर्ट सीधे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास आ जाती है और ऑडिट पैरों के सुबह मोटो उत्तर विभागों के सचिवों को 3 महीने की अवधि के भीतर विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध करवाने होते हैं। अक्सर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने देखा है कि यह सुबह मोटो उत्तर 3 महीने की अवधि गुजर जाने के उपरांत भी विधानसभा को इसलिए उपलब्ध नहीं करवाए जाते क्योंकि इनके उत्तर आप द्वारा विभागाध्यक्षों को भेजने होते हैं। जब भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विभागीय सचिवों को मौखिक शासन के लिए निरीक्षण के लिए विधानसभा बुलाती है तो उनका यह उत्तर होता है कि ऑडिट पैरों के उत्तर फील्ड से नहीं आए, जिससे यहाँ पीएसी का काम लंबित हो जाता है। वहीं दूसरी ओर इस विलंब के लिए उनको समय में बढ़ोतरी हेतु क्षमा याचना भी समिति के सामने करनी पड़ती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आपके द्वारा समय या फील्ड के अधिकारियों फील्ड के विभागों के द्वारा समय पर उत्तर उपलब्ध न करवाने के कारण समिति के काम में कितना विलंब होता है। इन उत्तरों को जल्दी प्राप्त करने के लिए तथा वर्षों से लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन के लिए समिति जिलों के प्रवास पर आकर आपसे विचार विमर्श करती है और आवश्यक दिशा निर्देश भी यहाँ पर देने की कोशिश करती है। सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को हमें जमा बनाते हैं। समिति उम्मीद करती है कि आप इन ऑडिट पैरों के निष्पादन के लिए सक्रिय योगदान देंगे। वीरवार को पूरे देश में जहां अध्यापक दिवस धूमधाम से मनाया गया, वहीं मंडी में भी डीएवी स्कूल में अध्यापक दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जहां बच्चों में खासा उत्साह देखा गया, वहीं बच्चों ने अध्यापकों के सम्मान में कार्यक्रम भी पेश किए। आपको बता दें कि अध्यापक दिवस डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष पर मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के लिए एक अहम भूमिका अदा की थी। गुरुरे ब्रह्मा, गुरुरे विष्णु, गुरुरे साक्षात महेश्वरा। जी हाँ, एक वक्त था जब गुरु को ही भगवान माना जाता था, गुरु को ही साक्षात ब्रह्मा माना जाता था, क्योंकि कहा भी जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। और यह भी सही है कि गुरु ही सब कुछ होता है और गुरु के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज देश का जो राष्ट्रपति है, अगर गुरुओं द्वारा उन्हें पढ़ाया गया, आज भले ही गुरु और शिष्य के मायने बदल गए हो, लेकिन पढ़ाई तो गुरुओं द्वारा ही करवाई जाती है। वीरवार को पूरे देश में अध्यापक दिवस मनाया गया, वहीं मंडी के डीएवी पब्लिक स्कूल में भी टीचर डे की खासी धूम देखने को मिली। इस अवसर पर डीएवी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर के प्रधानाचार्य ने बताया कि अध्यापक दिवस डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष पर मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के लिए अहम भूमिका अदा की थी। शिक्षक दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज के दिन को मनाने का जो पर्पज है, वो हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, द सेकेंड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी टीचिंग्स, उनकी जो शिक्षा है, उनके जो मार्गदर्शन उन्होंने किया है, उनके जन्मदिन के रूप में हम इस शिक्षक दिवस को मनाते हैं। आज मैं समस्त शिक्षकों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम सब शिक्षक उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलें और समाज में वो अपने बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ का
निर्वाह कर सकें, ताकि आगे चल करके ये बच्चे हमारे देश के अच्छे नागरिक बन सकें। वहीं अध्यापक दिवस के मौके बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। Today we are celebrating Teachers Day here to pay our gratitude and reverence to our beloved teachers who are doing a consistent effort. So continuously they've been shaping our lives to make our future better. And we'll pay a great regard to them. We are great efforts to pay their regard to the teachers. And so it's a great honor for us to give. Honor to our beloved teachers. I am Yekhan. Morning, I am Akshit from BAV Plus 2. Here we have organized a tribute for our teachers on the occasion of Teachers Day. And Plus 2 has done a great effort. We are here to pay a tribute to the catalysts of transformation that are the teachers. And the program is extremely good. And students are participating in it wholeheartedly. अध्यापक दिवस के मौके जहां बच्चों को अध्यापकों की महत्वता के बारे में बताया गया, वहीं बच्चों द्वारा कार्यक्रम भी पेश किए गए। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ भी के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला छोटे ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। १९२८ से आपकी सेवा में रतन सिंह सराफ एंड संस, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सराफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अश्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अश्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन सिंह सराफ एंड संस, मोती बाजार मंडी हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स, फैशन डिजाइनिंग एम्ब्रॉयडरी सहित, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071, 0190524 1313। शिव आदर्श ITI में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रेड इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, ड्रेस मेकिंग कटिंग एंड टेलरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी। यह संस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित है और सरकारी नौकरी के लिए भी मान्य है। ज्यादा जानकारी और दाखिले के लिए आज संपर्क करें शिव आदर्श ITI, गुहर रोड लोहारा, डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश। फोन 0190524520, मोबाइल 9418054720, 9418083756 और 9816452030। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिवस सराज में भी सभी स्कूलों में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जंजैली में भी उनका जन्मदिवस शिक्षा दिवस के रूप में श्रद्धाभाव से मनाया गया। 5 सितंबर के दिन पूरे स्कूल का संचालन बच्चों द्वारा किया गया था। वहीं बच्चों द्वारा अपने गुरुओं के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए, जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिवस सराज के स्कूलों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जंजैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उनका जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में श्रद्धा से मनाया गया, जिसमें दोपहर से पहले बच्चों ने कक्षाओं को शिक्षक की भांति संभाला, दोपहर बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सीनियर सेकेंडरी स्कूल जंजैली में बच्चों द्वारा प्रोग्राम दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लंच टाइम तक बच्चों ने आज शिक्षकों की जगह पे क्लासेस ली, जिसमें 6 से लेकर 12वीं तक आज बच्चों ने ही संचालन किया सभी क्लासेस का।
उसके बाद लंच के बाद बच्चों का कल्चर प्रोग्राम रखा गया है। ये जो दिवस है बच्चों के लिए खास उपलक्ष खास उत्साह का दिन होता है। इस दिन ये बच्चों शिक्षकों का महत्व समझते हैं कि क्या है और किस तरीके से जो है शिक्षक इनके लिए कार्य करते हैं। तो बच्चे आज खुद एज अ टीचर काम करते हैं और इस जिम्मेदारी को समझते हैं कि अध्यापक किस तरीके से इस कार्य को पूर्ण करते हैं। अध्यापक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की स्मृति में मनाया जाता है, जो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था तथा वे भारत रत्न से 1954 में सम्मानित हुए थे। आज हम लोग टीचर्स की भूमिका निभाई और मैं प्रिंसिपल सर का किरदार निभा रही थी और साथ ही 10 जमातों के सभी छात्र तथा छात्राओं ने विद्यालय में कार्यरत सभी अध्यापकों की भूमिका निभाई। अध्यापक दिवस के मौके जहां बच्चों में खासा उत्साह देखा गया, वहीं कई वाद विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालकर विद्यार्थियों को अवगत करवाया गया। साथ ही छात्र छात्राओं ने स्वनिर्मित कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। के न्यूज के लिए जंजहली से KR कौशल की रिपोर्ट। मंडी में वीरवार को लक्ष्मींदर गुलेरिया द्वारा गजराज को बुलाया गया, जिसके दर्शनों के लिए लोगों में खासी भीड़ देखने को मिली। वहीं शुक्रवार को मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा द्वारा शहीद प्रेम सिंह गुलेरिया की याद में 48वां सर्वोच्चम वीरता पुरस्कार का आयोजन किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण आप देख सकेंगे के म्यूजिक पर सुबह। शुक्रवार को मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा द्वारा शहीद प्रेम सिंह गुलेरिया की याद में 48वां सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहीदों के परिवार भी शामिल रहेंगे। यह बात लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने के न्यूज की टीम से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने गजराज को भी मंडी में बुलाया था, जो कि वीरवार को मंडी में पहुंचे और उनसे उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। अरे पिताजी का जो 48वां सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का जो एनिवर्सरी है वो हम यहाँ मंडी श्री मंच पर मना रहे हैं, जिसका सारा क्रेडिट जो है द क्रेडिट ऑफ दैट कमेमोरेशन दैट गोज टू माई मदर। और इसके लिए हमने यहाँ गजराज जी को आमंत्रित किया था, जो आज मंडी में पहुँच चुके हैं। अभी हमने इनकी सेवा ले ली है, चरण स्पर्श करके हमने आशीर्वाद भी लिया हुआ है और साथ में इसमें हमने जो ये प्रोसेसन निकालना है, जो हमारे शहीद लोग उनकी माताएँ आ रही हैं और जितने भी हमारे जो गारंटी विनर्स भी आ रहे हैं, एक्सप्रेस मैन भी आ रहे हैं और ख़ास करके जो कारगिल के शहीद हैं वो भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो उनको सम्मान देने के लिए हमने यहाँ पर 2 कैमल भी बुलाए हैं जो पहुँचने वाले हैं और साथ में विक्टोरिया बगी बुलाई हुई है, जिससे कि हम जो जितने भी हमारे कारगिल शहीद हमारे बच्चों की जो माताएं आती हैं, उनके पिता आते हैं या उनका कोई भाई आता है, तो हम चाहेंगे कि उनको हम इस तरीके से एक इज्जत बख्शें जिससे उनको लगे कि उनके बच्चों की कुर्बानी जो है वो ज़ाया नहीं गई है, उसकी आज भी वही इज्जत है जो जिस वक्त उनके बच्चे जो थे वो इस वतन में जिंदा थे। उन्होंने कहा कि 48वां सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका सीधा प्रसारण के म्यूजिक पर सुबह 10 बजे से देख सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग शहीदों को सम्मानित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मंच पर पहुंचे, ताकि शहीदों को सम्मान दिया जाए। और इस कार्यक्रम का हमने कल जो सीधा प्रसारण रखा हुआ है श्री मंच से, तो लगभग 10.30 बजे से लेकर 4 बजे तक रखा हुआ है, जिसका सीधा प्रसारण आप के चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आप मेरे ख्याल से अगर साक्षात अगर मंच तक पहुंच सकते हैं तो ये एक बहुत ही उपलब्धि होगी, क्योंकि ऐसे दिन जो हैं शहीदों के दिन, जो जिन्होंने भारत माता के लिए कुर्बानी दी है, ऐसे लोगों को सम्मानित करने के दिन जो हैं वो बार बार नहीं आते हैं। इसलिए मैं मंडी वासियों को और जहाँ तक इस चैनल के माध्यम से ये इस खबर को अगर देखते हैं तो वो अगर शेरी मंच तक पहुँचते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा और उन्हें भी शायद ये दिन बड़ी मुश्किल से देखने को मिले, क्योंकि जो हमारा सेलिब्रेशन होता है ये अपने आप में एक अद्भुत होता है, अनोखा होता है। इसमें स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सिविल लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे और भी कॉलेज से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर लोग हमारे मंडी शहर में हैं वो एकत्र होकर के इस कमेमोरेशन का जो एक महोत्सव है, इसका जो है वो अपनी आँखों से इसका सबूत लें और आने वाली पीढ़ियों को एक दिशा निर्देश दें, जिससे कि भावी पीढ़ी में बच्चे हमारे फौज में जाने के लिए लालायित रहें। इस अवसर पर मंडी में गजराज के पहुंचने पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और हाथी से आशीर्वाद भी ग्रहण किया। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज।
कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र ना करें, मंडी में जल्द आ रहा है हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की शत प्रतिशत कीमत वापसी की गारंटी। बस थोड़ा सा कीजिए इंतजार। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अब सोने की खरीद पर भी उपलब्ध है डिस्काउंट कार्ड, जो उपलब्ध करवा रहे हैं आभूषणों के पुराने व विश्वसनीय प्रतिष्ठान एस मल्होत्रा ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। इस मल्टी स्टोरी शोरूम में आप पाएंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क सोने, चांदी व हीरो जड़ित आभूषणों की बेहतरीन रेंज। यहां रखा जाता है शुद्धता का खास ख्याल। मल्होत्रा ज्वेलर्स में आप अपनी सेविंग में से हर महीने 1000, 2000 या 5000 रुपए तक जमा कर सोने में निवेश भी कर सकते हैं। यहाँ परंपरागत गहनों के साथ साथ आपको मिलेगी विदेशी ज्वेलरी की बेहतरीन वैरायटी। आज ही पहुँचे मल्होत्रा ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। तंगी से जूझ रहा है, रुपया गिरता जा रहा है और देश महंगाई के बोझ तले पिसता जा रहा है। लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं और केंद्र सरकार बेतुके बयान दे रही है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने बयान दिया था कि देश के मंदिरों में पड़ा हुआ सोना गिरवी रखा जाएगा, यानी कि अब देश को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं, या यूं कहा जाए कि भगवान के भरोसे है देश। क्या देश को भगवान बचाएंगे? जनता क्या कह रही है जरा सुनिए। मैं एक रेडी का काम करता हूँ और जो भी मतलब आज गवर्नमेंट कर रही है कि सोने की बात कर रही है कि सोना गिरवी रखना है, मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, पब्लिक सारी सब जानती है कि क्या इंडिया में हो रहा है आज और क्या होने वाला है। आज दिन प्रतिदिन इंडिया का जो इतिहास है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। एक टाइम था जो इंडिया सोने की चिड़िया से नाम से जाना जाता है, और जो आज हमारे जो मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री कहलाते हैं उनका ये आज, पहले तो बोलते थे, कुछ दिन पहले न्यूज़ आई उनकी कि रुपये का गिरना बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे उससे हमारे को पूंजी ज़्यादा मिलेगी। कभी बोलते हैं रुपये हमारी जो देश है बड़ी मुसीबत में आ गया है। आज क्या बोल रहे हैं, आज के मंदिर में जो सोना इकट्ठा हुआ है उसको गिरवी रखने की बात कर रहे हैं। सोने को गिरवी रखने की क्या जरूरत है, पूरे देश को गिरवी रख डालो, सबसे बेस्ट रहेगा वो, क्योंकि सोने के जो मतलब लोगों द्वारा एक श्रद्धा से चढ़ाई गई चीज़ है, चाहे वो कुछ भी एक सोना एक मतलब बात हमारे सोने की चिड़िया के लापिया, अगर उसी को गिरवी रख रहे हैं हम, तो आने वाले टाइम में क्या गिरवी रखेंगे। बिलोंग करता हूँ और आए दिन आज जो चारों तरफ से महंगाई की मार आम पब्लिक पे पड़ी हुई है, वो सभी पब्लिक इससे वाकिफ है। और जैसे कि आज तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर एक चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ से जो है हमारा रुपए की कीमत लगातार नीचे गिर रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। और पिछले दिनों हिंदुस्तान ने जो सरकार ने एक ऐसे निर्णय लिया कि 500 टन सोना जो है अपना गिरवी रख दिया और उसके बदले विदेशी बॉन्ड खरीदे, और विदेशी बॉन्ड खरीदने के बदले जो सोना उन्होंने रखा तो एक किस्म का हिंदुस्तान को एक बेचने वाली बात हो गई है। आज इन्होंने सोना गिरवी रखा हुआ है और दूसरी और हो सकता है आगे पूरे हिंदुस्तान को गिरवी रख दें, क्योंकि जो आजकल मंदिरों में सोना पड़ा हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नीति ऐसी बनाई है कि जितना भी वो सोना है उसको इकट्ठा करना है और गवर्नमेंट के अंडर करना है और उसको मार्केट में लगाएंगे और बाहर से विदेशों से सोना नहीं मंगवाएंगे, इससे डॉलर की वैल्यू जो है कंट्रोल होगी। लेकिन भाइयों ये बात नहीं है, डॉलर की वैल्यू ऐसे कंट्रोल होने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार जो तेल की कीमतें बढ़ रही है
उससे जो है हर एक चीज़ की महंगाई पे ऊपर असर पड़ रहा है और आए दिन लोगों की कमर जो है महंगाई ने तोड़ दी है। जितना भी सोना या चांदी मंदिरों में है वो सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है ऐसा हम सुन रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देवताओं की प्रकृति से छेड़छाड़ करना एक बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ऐसा ना हो कि ये प्रकृति कहीं और देवताओं का जो आपस में बहुत ही ये संबंध रहा है सतयुग से लेकर के, तो ऐसा ना हो कि ये देवताओं की संपत्ति जो सरकार ले रही है इसमें लोगों की आस्था छुपी हुई है, ऐसा ना कि इन आहत लोगों जो हैं ये गलत तो हो जाए और कहीं ऐसा प्रकृति जैसा छेड़छाड़ कर दें देवताओं से, तो हम देवताओं के पास तो जाते हैं कि हमारी देवताओं जो देवता के पास जाते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण करो, ऐसा या बारिश नहीं होनी चाहिए बारिश होनी चाहिए, या हमारे हम बीमार हो गए हम ठीक होने चाहिए, जब देवताओं की संपत्ति को सरकार ले लेगी तो ऐसा ना कि अपना देवता अपना प्रचंड रूप दिखाएं और कहीं ऐसा भूचाल आ जाए कि आदमी को संभलना मुश्किल हो जाए। देश को कहीं भी झोली फैलाने के लिए ऋण नहीं मिल रहा है तो हमारे पार्लियामेंट में एक निर्णय लिया जाता है कि देवताओं की जो संपत्ति है जो लोगों की आस्था का केंद्र है, लोगों ने आस्था के रूप में देवताओं को अपना जो श्रद्धा के रूप में जो जितना भी चाहे सोना चांदी हीरे जो अर्पित किए हुए हैं, आज हमारे मंत्रियों की टेढ़ी नज़र इस खजाने के ऊपर लग गई है। जिन मंत्रियों के पेट तब नहीं भरे जब वो पूरी की पूरी रेलगाड़ियाँ खा गए, बंसल जी कलमाटी जी पूरे पूरे प्लेग्राउंड खा गए दिल्ली में, और भी मंत्री ना जाने कितना कोयला खा गए, कितने उन्होंने जो है वो हवाई जहाज की पट्टियाँ खा ली, कितने पहाड़ खा लिए, कितने नदियाँ पी ली। जब इन नेताओं का हजमा इतना भारी सॉलिड है, इतना ये इनकी पाचन शक्ति जो है वो इतनी घातक है कि ये अब जो है देवताओं के जो लोगों की आस्था के केंद्र से जो लोगों ने यहाँ पर संपदा जोड़ी है, जो धन जोड़ा हुआ है, आज हमारे नेता कहते हैं कि आज हम देवताओं से जो सोना इकट्ठा हुआ है, देवताओं के पास जो चांदी इकट्ठा हुआ है, देवताओं के पास जो हीरे जवाहरात इकट्ठे किए हुए हैं, इनको हम सरकारी खजाने में जमा करेंगे और उसके एवज में करेंसी जारी करेंगे। क्योंकि जैसे हर देश आज ताक में है कि इंडिया नीचे गिरे और हम इसको कब्जा करें, करता हूँ दोस्तों कि आने वाले टाइम को अगर हमें कुछ हासिल करना है तो एक आवाज़ में बिल्कुल शहरों में उतरो, गांव में उतरो, हर बंदे को एक अपनी आवाज़ों को बुलंद करो, नहीं तो हमारे जो नेता लोग हैं अपने इस देश को खोखला करके बेच डालेंगे। आज सोना रख रहे हैं कल पूरे देश को गिरवी रखेंगे, फिर आप क्या करेंगे? हमारे भारत देश के केंद्र सरकार के नेताओं ने अगर कोई कानून ऐसा बनाया जिससे मंदिरों का धन संपदा अगर इन लोगों ने सरकारी खजाने में जमा की, तो फिर वही जो केदारनाथ में बाबा भोलेनाथ ने जो जिस तरीके से अपना दृष्टांत दिया है, इस पूरे देश के ऊपर वैसा के वैसा ही कहर बरपा जाएगा। आज उन्होंने 500 टन सोना गिरवी रखा हुआ है, कल देश को भी गिरवी रख देंगे, तो इसका हम सरासर विरोध करते हैं। तो मेरी सरकार से अपील है कि जो बड़े बड़े शक्तिपीठों में मंदिरों में सोना चढ़ा हुआ है, वहाँ की जो कमेटियाँ हैं उस सोने से ऐसे विकास करें, मंदिर के नाम पे विकास करें, या उसके बदले में कोई सरकारी कॉलेज खोले, या उसके बदले में कोई हॉस्पिटल खोले जो कि मंदिर संस्था के नाम से चले और लोगों के ही हितों में जो धन काम आए। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए के न्यूज़ के साथ।